इस्लाम से बेइंतहा नफरत करने वाला एक शख्स कभी मस्जिद को बम से उड़ाना चाहता था, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन कर खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया। द संडे प्रोजेक्ट से रिचर्ड मैकिने नाम के एक शख्स ने अपनी अनोखी कहानी शेयर की है। रिचर्ड इंडियाना के रिटायर्ड मैरीन अफसर हैं। रिचर्ड के मन में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैल चुकी थी। रिचर्ड ने बताया, एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ एक दुकान में पहुंचे और वह काले बुरके में दो महिलाओं को देखा। मैंने प्रार्थना की कि मुझे इतनी ताकत मिली कि मैं उनके पास जाऊं और उनकी गर्दन तोड़ दूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। वह घर में बम बनाने की सोच रहे थे और इस्लामिक सेंटर के बाहर रखकर उसे उड़ाने का ख्वाब देख रहे थे। रिचर्ड ने सोचा कि वह दूर से बैठकर उस भयानक मंजर को देखेंगे। रिचर्ड ने बताया कि मेरी 200 से ज्यादा लोगों को मारने और घायल करने की योजना थी। इस्लाम के प्रति नफरत ही मुझे जिंदा रखे हुए थी। इस बीच मैकिने ने इस्लाम समुदाय को एक और मौका देने के बारे में सोचा। वह स्थानीय इस्लामिक सेंटर गए और वहां उन्हें कुरान दी गई। वे उसे घर ले आए और पढ़ने लगे। 8 सप्ताह बाद वह इस्लाम में धर्मांतरण कर चुके थे और कुछ सालों बाद वह उसी इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष बन गए, जिसे वह कभी बम से उड़ाना चाहते थे। किसी को भी इतने नाटकीय घटनाक्रम पर यकीन नहीं होता, लेकिन मैकिने ने इंटरव्यू में अपने इस बदलाव की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, एक दिन में घर पर दूसरे समुदाय, उनके विश्वास और उनकी नस्ल के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा था। तभी मेरी बेटी ने मुझे बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखा। उसके बर्ताव ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, जैसे एक प्रकाश का दिया जल गया हो। मैंने देखा कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा हूं। मैं अपने पूर्वाग्रहों को उसे सिखा रहा था। मैकिने ने कहा कि न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर हुए आतंकी हमलों के दोषी ब्रेंडन टेरेंट के भीतर अपने पुराने मैकिने को देख रहा था। मैकिने ने कहा कि जिसने ऐसा घृणित अपराध किया, जिसने कई मासूमों की जान ली, वह मैं ही था। हम एक ही तरह के लोग हैं। जब मस्जिद में लोगों ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया, तो उसने रुककर सोचा नहीं, बल्कि मैं इस्लामिक सेंटर में जब गया था तो मेरा अभिवादन एक मुस्कुराहट के साथ किया गया था। इसने मुझे थोड़ा बहुत पिघला दिया। इससे मैं पहले से ज्यादा खुले दिमाग से सोचने में कामयाब हुआ और फिर मैंने दूसरों को सुनना शुरू कर दिया। लेकिन उसने, यानी कि न्यूजीलैंड के हमलावर ने, ऐसा नहीं किया। ये थी एक व्यक्ति की कहानी जो कि अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया। कई सालों तक उसके दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत फैली हुई थी। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को मार दे और मस्जिदों को उड़ा दे। लेकिन एक किसी की मुस्कुराहट की वजह से, या कहना चाहिए कि उसकी बेटी की मुस्कुराहटों की वजह से, उसकी बेटी ऐसा नहीं चाहती थी, उसकी वजह से उसने ये निर्णय लिया और वो सच्चाई पर कायम रहा और उसने अपना मन बदल लिया। ये कहानी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत तेजी से फेमस हो रही है। कहानी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये पूरी तरह से सत्य है, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।